कॉम्पिटिटिव ज्ञान जहां हम यूपीएससी सीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स स्टडी करते हैं एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देखिए कि व्हाई दिस टॉपिक रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज इन न्यूज। देखिए रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने साउथ दिल्ली के दो फॉरेस्ट लैंड्स को रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है और ये नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के सेक्शन 20 के तहत देकर इन दोनों फॉरेस्ट को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया है। अब इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए देखते हैं कि वन कितनी तरह के होते हैं या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देखिए लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब समझिए। देखिए ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले फॉरेस्ट होते हैं जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो जो फॉरेस्ट लैंड या वेस्ट लैंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं एंड लोकल पीपल की एंट्री जहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है दीज आर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। इनमें सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर जिनको परमिशन देता है वही पीपल अलाउड होते हैं। फाइन, देन सेकेंड कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करके इन पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इन फॉरेस्ट को यूज किया जाता है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट जनरली उन फॉरेस्ट को बनाती है जिनमें रेवेन्यू रेजिंग पोटेंशियल होता है, मतलब जिनका वुड ट्री फ्रूट या कोई भी नॉन वुड प्रोडक्ट्स है फॉरेस्ट में वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं स्टेट के लिए। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। फाइन, देन थर्ड कैटेगरी होती है विलेज फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट किसी विलेज कम्युनिटी को दे देती है और विलेज पीपल इनके रिसोर्सेज को यूज करके अपना सर्वाइवल करते हैं। ठीक है, तो लीगल स्टेटस के बेसिस पे 3 तरह के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। फाइन, अब देखिए रेनफॉल के बेसिस पे इंडिया में कितने तरह के फॉरेस्ट हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि रेनफॉल एंड टेम्परेचर ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को डिटरमिन करते हैं। तो जिन एरियाज में टेम्परेचर एंड रेनफॉल ज्यादा होते हैं वहाँ फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन होती है, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ ग्रासेस ग्रो करती हैं, और जो स्कैंटी रेनफॉल के रीजन होते हैं वहाँ पे थॉर्नी बुशेस ग्रो करती हैं जिनको श्रब्स कहते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन मेनली 3 टाइप्स की होती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स, एंड ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट होती है और मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स टेम्परेचर और रेनफॉल होते हैं। और इस टॉपिक में हम फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे बिकॉज फॉरेस्ट भी रीजन टू रीजन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से डिफर करते हैं इन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो बेस्ड ऑन रेनफॉल फर्स्ट कैटेगरी फॉरेस्ट की है इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए एवरग्रीन का लिटरल मीनिंग होता है सदाबहार, तो इनके नाम से ही इनके कैरेक्टरिस्टिक का हमें पता चलता है कि ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, मतलब इनका लीव को शेड करने का कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। और इस तरह के फॉरेस्ट हमें वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और मीन एनुअल टेम्परेचर अबव 22 डिग्री सेल्सियस हो। सो एज वी नो कि रेनफॉल और टेम्परेचर इन दोनों में ही फॉरेस्ट की डेंसिटी और हाइट डिटरमिन होती है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल होगा उतने ही ज्यादा ये फॉरेस्ट डेंस होते हैं
एंड अगर जिन रीजन्स में टेम्परेचर कम होगा और रेनफॉल कम होगी तो वहां पे इनकी डेंसिटी और हाइट कम होती चली जाती है, और ये ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें मिलते हैं मोस्टली, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड क्रीपर्स। सो ट्रॉपिकल रीजन में इन ट्रीज को टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो इन ट्रीज की हाइट अप टू 60 मीटर तक चली जाती है एंड देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव। इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है लीव को शेड करने का, ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स से ये हमेशा ही लदे रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, जिस वजह से इनका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर कुछ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कंपैरेटिवली लेस रेनी पार्ट्स में मिलते हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम रेनफॉल होती है। और इन फॉरेस्ट को हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब मैप में देखिए, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें एक तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और हमारे दोनों आइलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनदर टाइप है फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए हमारी कंट्री इंडिया में हमें पता है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि मॉनसून विंड्स हमारे इंडिया को क्लाइमेट को अफेक्ट करती है एंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ये इंडिया में रहती है, और इसीलिए हमारी कंट्री में ज्यादातर जो फॉरेस्टेड एरिया है या मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में वो है मॉनसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। एंड ये फॉरेस्ट मोस्टली इंडिया में उन रीजन में स्प्रेड है जहाँ पे रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। और इन फॉरेस्ट की खास बात ये है कि ये ऑटम सीजन में जब ड्राई सीजन होता है तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं एंड स्प्रिंग सीजन में फिर से इनमें न्यू ग्रीन लीव्स आ जाते हैं, ठीक है। और वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे या रेनफॉल के कम ज्यादा के बेस पे ये भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो जहाँ ज्यादा रेनफॉल होती है वो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली उनको कहते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, फाइन। नाउ सी द मैप। देखिए इंडिया का मोस्ट जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल रीजन और सदर्न रीजन इंडिया का सारा ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखिए माउंटेन का मतलब है माउंटेनियस एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं, बिकॉज माउंटेनियस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है, और यहाँ पे कोनिफेरस टाइप की वेजिटेशन होती है जिनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, उनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। और इंडिया में नॉर्दर्न रीजन हमें पता है हिमालयन माउंटेन का रीजन है, तो यहीं पे हमें माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, फाइन। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये उन रीजन के फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इनमें मोस्टली ग्रासेस और श्रब्स टाइप की वेजिटेशन होती है, और इन थॉर्नी बुशेस टाइप की वेजिटेशन में लीफलेस प्लांट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंटीली झाड़ियां होती हैं, फाइन। मैप में देखिए ये फॉरेस्ट हमें इंडिया के सेमी एरिड रीजन में मिलते हैं, मोस्टली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है विच इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। इन स्टेट्स के कुछ पार्ट्स हैं जो सेमी एरिड हैं, यहाँ पे हमें थॉर्नी वेजिटेशन या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं स्वैम्प फॉरेस्ट। ये मोस्टली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और डेल्टाइक रीजन्स में मिलते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा। मैप में देखिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन है,
ये गोदावरी डेल्टा रीजन और कृष्णा डेल्टा रीजन, और इन्हीं रीजन में मोस्टली हमें लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। और इनमें मोस्टली विस्लिंग पाइन्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेट पाम्स और बुलेटवुड टाइप के ट्रीज होते हैं, और इनकी रूट्स में सॉफ्ट टिश्यू होता है जिससे ये ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों से कंट्री का फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज हो रहा है, जिसमें 1540 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनल ऐड हो गए हैं। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाली जो स्टेट है इंडिया में, इट इज मध्य प्रदेश, फिर सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, देन फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में अगर फॉरेस्ट कवर देखें इंडिया का, तो टॉप 5 स्टेट्स में फर्स्ट नंबर पे मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। और जिन स्टेट्स में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, उनमें है तेलंगाना पहले नंबर पे, सेकंड पे आंध्र प्रदेश एंड थर्ड पे उड़ीसा। और नॉर्थ ईस्ट की जो 5 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, इन सभी के फॉरेस्ट कवर में हमें पिछले 2 सालों में लॉस देखने को मिला है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वेजिटेशन टाइप एंड कवर इन इंडिया। इन कॉन्टेक्स्ट विद द रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, सो थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द एमजी कॉम्पिटिटिव ज्ञान।